हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम 13 फरवरी 2019 के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। आज के न्यूज़ में बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, मरीन पोल्यूशन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 और राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है इंडिया नॉर्वे मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव। तो हाल ही में इंडिया और नॉर्वे ने मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए एक इनिशिएटिव का प्रारंभ किया है और उसका कंटेक्स्ट क्या है यह हम देख लेते हैं। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद अ नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू लॉन्च द इंडिया नॉर्वे मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, इंडिया और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव को शुरू करने के लिए, को लॉन्च करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। और यह जो इनिशिएटिव है वह मरीन पोल्यूशन को कॉम्बैट करेगा, उसके खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होगा। एंड बोथ द कंट्रीज विल शेयर एक्सपीरियंसेस एंड कोलैबोरेट ऑन एफर्ट्स टू डेवलप क्लीन एंड हेल्दी ओशन। तो दोनों देश मिलकर अपने जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करेंगे, साथ ही साथ ओशंस को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए एक साझा रणनीति अपनाएंगे। एंड बोथ द साइड विल जॉइंटली कोलैबोरेट फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज एंड ग्रोथ इन द ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ साथ जो भी जलीय संसाधन है, सागरी संसाधन है, उसका सस्टेनेबल यूज़ करने में दोनों जन एक साझा रणनीति अपनाएंगे। एंड दिस इनिशिएटिव विल सीक टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये जो लोकल बॉडीज़ है, लोकल गवर्नमेंट है, उसे किस तरह से ओशंस को स्वच्छ रखना है, किस तरह से स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। एंड दे विल ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स बीच क्लीनअप एफर्ट्स अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन। तो बीच क्लीनअप एफर्ट्स भी करेंगे, जैसे मुंबई का जो वर्सोवा बीच था, पहले काफ़ी गंदा, काफ़ी अस्वच्छ था, लेकिन कुछ संस्थाओं के इनिशिएटिव से आज वर्सोवा बीच साफ सुथरा दिखता है। ऐसे ही एफर्ट्स, ऐसे ही जन जागरूकता कैंपेन कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि जो बीचेस हैं वह स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। तो मरीन पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और मेंस में तो आंसर राइटिंग में इसका उपयोग किया ही जा सकता है। साथ ही साथ यूपीएससी मरीन पोल्यूशन आज के समय में बहुत ही विकट समस्या का रूप धारण कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसको कब करने के लिए क्या इनिशिएटिव, क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछ सकती है। और प्री में जो अभी भारत और नॉर्वे के बीच में करार हुआ है उससे पूछ लेगी कि भारत और फिनलैंड के बीच में इस तरह का मरीन पोल्यूशन पे इनिशिएटिव के लिए करार हुआ है। नहीं, ये भारत और नॉर्वे के लिए हुआ है। मैंने फिनलैंड इसलिए बोला है क्योंकि नॉर्वे, फिनलैंड ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में लंडन साइन हुआ है। तो मरीन पोल्यूशन क्या है, तो मरीन पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल इफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द एंट्री इनटू द ओशन ऑफ केमिकल्स पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एंड रेसिडेंशियल वेस्ट नॉइज और स्प्रेड ऑफ इनवेसिव ऑर्गेनिज्म। तो मरीन पोल्यूशन कैसे होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। मरीन पोल्यूशन प्लास्टिक या फिर कोई केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल वेस्ट हो गया, तो ऐसे जब इनवेसिव ऑर्गेनिज्म हो गए, ऐसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह अगर समुद्री जल में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उससे मरीन पोल्यूशन होता है। एंड द मेजर सोर्सेस ऑफ मरीन पोल्यूशन आर द इनफ्लो ऑफ केमिकल्स, सॉलिड वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स, मैन मेड सेडिमेंटेशन, ऑयल स्पिल्स
एंड मैनी सच फैक्टर्स। तो मरीन पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं? तो केमिकल्स, जैसे केमिकल्स विभिन्न जो कंपनियां होती है वह नदियों में केमिकल्स का बहाव करती है या फिर सीधे सीधे समुद्र में बहाव करती है। तो नदियों का पानी भी तो समुद्र में ही आता है, तो नदियों के थ्रू भी और डायरेक्ट बहाव के कारण भी मरीन पोल्यूशन के लिए ये जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो जिम्मेदार है। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स हो गए, और ऑयल स्पिल्स, जैसे कभी कभी हादसा हो जाता है, दो जहाज़ों के बीच में टक्कर से ऑयल स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, जिससे जो जली जैव विविधता है उसको खतरा होता है। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनके कारण मरीन पोल्यूशन होता है। मरीन पोल्यूशन के हम टाइप देख लेते हैं। तो मरीन पोल्यूशन जो होता है वो यूट्रोफिकेशन के कारण हो सकता है, एसिडिफिकेशन से होता है, और प्लास्टिक से होता है, टॉक्सिन से होता है। टॉक्सिन मतलब जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनके समुद्र में मिलने से होता है। तो पहले हम यूट्रोफिकेशन क्या होता है वह हम देख लेते हैं। तो यूट्रोफिकेशन इज़ एन इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स, टिपिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम। तो इसमें क्या कहा गया, यूट्रोफिकेशन जो है वह एनवायरनमेंट का भी एक टॉपिक है। आपको एनवायरनमेंट के बुक में भी यूट्रोफिकेशन पर एक टॉपिक मिल जाएगा, और यह एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों सेक्शन से इम्पॉर्टेंट है प्री के लिहाज से, चाहे वो पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है आप ज़रूर नोट कर लीजिए। तो यूट्रोफिकेशन यही है कि जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो कंपाउंड होते हैं, पदार्थ होते हैं, वह लगातार पानी में मिलने के कारण इनसे जो जल की संरचना संगठना में बदलाव होते हैं, रूपांतरण होते हैं, वही यूट्रोफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन क्या है? तो द ओशंस आर नॉर्मली अ नेचुरल कार्बन सिंक एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बिकॉज द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आर इंक्रीजिंग द ओशंस आर बिकमिंग मोर एसिडिक। तो जो सागरी जल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को का अवशोषण करता है, को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण और अधिक मात्रा में सागर भी उसका अवशोषण करता है, जिसके कारण यह एसिडिफाई हो जाता है। एसिडी इसका जो कैरेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पानी के साथ मिलकर फिर वो एसिडिक नेचर में उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण कोरल रीफ्स हो गए या फिर विभिन्न जो भी जलीय जंतु हैं उनको हानि पहुँचती है। अगला है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा आज के समय में मरीन पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। मरीन डेब्रिस इज मेनली डिस्कार्डेड ह्यूमन रबिश विच फ्लोट्स ऑन और इज सस्पेंडेड इन द ओशन। 80% ऑफ मरीन डेब्रिस इज प्लास्टिक, अ कंपोनेंट दैट हैज़ बीन रैपिडली एक्यूमुलेटेड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही मरीन में जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है, लगभग 80% जो मरीन पोल्यूशन है वह इन प्लास्टिक डेब्रिस के कारण ही है। नेक्स्ट है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ जो होते हैं वह। तो अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक देयर आर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विद अदर टॉक्सिन्स दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट रैपिडली इन द मरीन एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिन्स आर पीसीबीज, डीडीटी, टीबीटी, पेस्टिसाइड्स, फुरांस, डायोक्सिन, फेनॉल्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये जो डीडीटी हो गए, डायोक्सिन्स हो गए, फेनॉल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, यह भी जल्दी विघटित नहीं होते और यह समुद्र में काफ़ी समय तक बने रहते हैं, और इसी कारण से समुद्र का पानी जहरीला होता है, समुद्र की जैव विविधता होता है, जो भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, प्लैंकटन्स है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो घट जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक्स और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वह मानव पर भी अपना प्रभाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव जो है वह मछलियों का सेवन करता है, मछलियों को खाता है, और इन मछलियों में ऐसे टॉक्सिक जो पदार्थ हैं वह मछलियों में भी चले जाते हैं, और इन्हीं मछलियों से ही मानव में भी आ रहे हैं। जैसे कि हम पारा को देख सकते हैं, मीनामाटा रोग जो है वह मछलियों के थ्रू ही मनुष्यों को हुआ है। ये इसके बारे में भी आप
नोट कर लीजिए, मिनामाटा कन्वेंशन का, और मिनामाटा रोग क्या है, किससे होता है, पारा से होता है, और मिनामाटा कन्वेंशन जो है उसके बारे में भी आप एक बार सर्च कर लें। अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत देश में पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक का आयोजन किया। यही हमारा आज का कंटेक्स्ट है। तो आपको यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि राष्ट्रीय परिषद की कौन सी बैठक थी या कहाँ आयोजित हुई है, सीधे सीधे राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि यह मार्च 2018 में लॉन्च हुआ है और यह बहुत ही हॉट टॉपिक है यूपीएससी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो पहले हम राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं जो यूपीएससी प्री में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की थी। तो डेट याद रखिए 8 मार्च 2018, और कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से, क्योंकि ये आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे वो एमपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, हर जगह ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर में या तो डेट पूछ लेगा या तो कहाँ से शुरू हुआ है यह पूछ लेगा। हालांकि यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर पर देगा कि 2017 में लॉन्च हुआ है, राजस्थान के उदयपुर शहर से दे देगा, नहीं, ये राजस्थान के झुंझुनू शहर से लॉन्च हुआ था। और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और समावेश के द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी अर्थात रक्ताल्पता, और कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकने के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा किशोरावस्था की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पोषण अभियान का उद्देश्य अगले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न निगरानी मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, व्यवहारिक परिवर्तन द्वारा सेवा आपूर्ति और हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कराने के लिए सभी 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 718 जिलों को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से इस अभियान के तहत शामिल कर लिया जाएगा। इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में हम कुछ जो उद्देश्य हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं। उसका मैंने स्लाइड नहीं बनाया, लेकिन आपको मैं लिख के बताता हूँ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बौनापन का, तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसमें बौनेपन में आने वाले 3 वर्षों में 2% प्रतिवर्ष की कमी लाना है, अर्थात 3 वर्षों में 6% की कमी लाना है। अर्थात अगर अभी वर्तमान में अगर 100 बच्चे बौनापन के शिकार है 0 से 6 आयु वर्ग के, तो आने वाले 3 वर्षों में उन 100 में से 6 बच्चों का जो बौनापन है उसमें कमी लाना है। अर्थात आने वाले 3 वर्षों बाद अगर बौनेपन का कोई रिकॉर्ड किया जाए तो 100 नहीं, तब 94 बच्चों ही शामिल होने चाहिए। ऐसा इसका उद्देश्य है। एक पहला 6% आने वाले 3 वर्षों में बौनेपन को में कमी लाना है। दूसरा क्या बोला है, कुपोषण स्तर। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट में आपको यूपीएससी सीधे सीधे देख सकती है, आप पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं जिसमें 2-3% इधर उधर यूपीएससी करके पूछ लेती है, चाहे वो डेट के मामले में चाहे कोई आंकड़ा ही क्यों ना हो। तो दूसरा जो है वह कुपोषण स्तर अर्थात मल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसमें भी 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे उसमें कुपोषण स्तर में 3 वर्षों में 6%, इसको भी 6% अर्थात प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है। और तीसरा क्या कहा गया है, तीसरे में रक्ताल्पता अर्थात अनीमिया के बारे में। तो अनीमिया में यहाँ पे क्या है, 6 से 59 माह तक के जो बच्चे हैं उसमें 3 वर्षों में 9%, अब यहाँ पे 9% अर्थात प्रतिवर्ष 3% की दर से कमी लाना है। और इसके अलावा आगामी 3 वर्षों में जन्म के समय अल्पभारता, जो अल्प वजन होता है, उसकी स्थिति में भी 6% अर्थात प्रतिवर्ष 2% की कमी करना है। तो यह जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताए हैं, चाहे बौनापन से रिलेटेड हो, कुपोषण स्तर, रक्ताल्पता या अल्पभारता जन्म के समय, तो इन पर यूपीएससी सीधे सीधे स्टेटमेंट दे सकती है। तो आप इतना याद रखिए, बौनापन, कुपोषण स्तर और अल्पभारता जन्म के समय, अल्पभारता, इनमें प्रतिवर्ष 2% की कमी करने का उद्देश्य रखा गया है, जबकि रक्ताल्पता अर्थात अनीमिया के लिए 3% है। तो बौनापन, कुपोषण, अल्पभारता के लिए 2%,
रक्त अल्पता के लिए 3%, इतना आप जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। तो हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया गया है, और इस विधेयक में सिनेमेटोग्राफ कानून 1952 के प्रावधानों में संशोधन की व्यवस्था है, ताकि गैर कानूनी कैमकॉर्डिंग और फिल्मों के डुप्लीकेशन के लिए दंड प्रावधानों को शामिल करके फिल्म पायरेसी को रोका जा सके। इसका हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में सीधे सीधे है कि राज्यसभा में अभी यह जो बिल है वह इंट्रोड्यूस किया गया है, और यह किस लिए? टू इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टी टू कॉम्बैट द मेनेंस ऑफ फिल्म पायरेसी। तो हम देखते हैं विभिन्न इंटरनेट पे जो साइट्स हैं उस पे जिस दिन मूवी रिलीज़ होती है उसी दिन वह मूवी इंटरनेट पे भी आ जाती है। तो वही है फिल्म पायरेसी। लोग क्या करते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटरों में जाते हैं, वहाँ पे अपने मोबाइल से या कोई भी रिकॉर्डिंग टूल्स उनके पास जो होता है वह उसे छिपा कर पूरी मूवी रिकॉर्ड कर लेते और सीधे सीधे उसे वेबसाइट पर डाल देते, और यह एक अपराध है, और इसे ही रोकने के लिए ही यह सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया है। द बिल सीक्स टू अमेंड प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 इन ऑर्डर टू टैकल फिल्म पायरेसी बाय इंक्लूडिंग पीनल प्रोविजंस फॉर अनऑथराइज कैमकॉर्डिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म। द बिल प्रपोजेज टू मेक फिल्म पायरेसी ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड फाइंस दैट में एक्सटेंड टू ₹10 lakh और बोथ। अर्थात अब अगर ऐसा पाया गया तो इस बिल में क्या प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराधी को, ऐसे लोगों को 3 साल और 10 लाख या उससे अधिक, या फिर दोनों का, मतलब या फिर 3 साल या फिर 10 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों की सज़ा सुनाई जा सकती है। यह दैनिक जागरण का न्यूज़ आर्टिकल है, आप हिंदी में इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक कर भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भी हम इसके जो कुछ मेन पॉइंट हैं वह तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये जो एक इस बिल में और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है कि फिल्म की कॉपी बनाने या भेजने पर या इसके प्रयास पर भी जुर्माना, दंड और सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक अनोखा है कि कॉपी बनाओ, भेजो या फिर खाली उसका ट्राई करो तो भी आप दंड के पात्र होंगे। अगला न्यूज़ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के बारे में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में अगर यूपीएससी पूछेगी तो पिछले आप 2 वर्षों के ही प्री एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वह देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन वन लाइनर में सीधे सीधे किसी न किसी इंडेक्स के बारे में पूछा है कि यह जो इंडेक्स है वह कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें भी आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 के बारे में जान लीजिए कि यह जो इंडेक्स है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, और यह 1995 से जारी कर रहा है। द इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय देयर परसीव लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल। इट यूजेज अ स्केल ऑफ 0 to 100 वेयर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन। तो इसमें 0 से 100 का जो देश है 0 से 100 का नंबर दिया जाता है, और इसमें जो 0 होता है वह बहुत ही करप्ट देश के लिए होता है, और जैसे जैसे नंबर देशों के लिए बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह उतने ही कम करप्ट होते हैं, उतने ही साफ होते हैं। तो अगर किसी को 0 या किसी को 1 नंबर मिला है तो वह हाईली करप्टेड नेशन है, और अगर किसी को 90 अंक मिला है तो इससे क्या होता है, मैंने अंक की बात की है, रैंक की बात नहीं की, मैंने अंक बोला है। तो अगर किसी को 90 अंक मिलता है, 90 नंबर मिलता है तो वह साफ देश होगा, अर्थात वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम होगा या तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। तो हम एक बार न्यूज़ आर्टिकल जो आया है वह भी देख लेते हैं। तो यह जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 है उसमें सीधे सीधे सोमालिया जो है उसको दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश
कहा गया है। इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट रैंक मिला है अर्थात जो सबसे कम भ्रष्टाचार देश है वह डेनमार्क है। डेनमार्क को आप नोट कर लीजिए, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सोमालिया। और भारत की रैंकिंग जो है वह 78 रैंकिंग है, अर्थात भारत की जो रैंकिंग है उसमें कुछ सुधार हुए, क्योंकि पिछले 2017 के जो रैंकिंग उसमें शायद 81 रैंक था और इस वर्ष इसका जो रैंक है वह 78 है, तो 3 रैंक का सुधार हुआ है। तो आप जो कुछ पॉइंट अगर इसमें नोट करना है तो पहले तो सबसे कम भ्रष्टाचार के जो टॉप 3 है ना उसे आप नोट कर लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है उसके भी बॉटम 3 जो हैं उसे आप नोट कर लीजिए। तो डेनमार्क फर्स्ट पे है, न्यूजीलैंड सेकेंड पे है, फिनलैंड थर्ड पे है। ये जो रैंकिंग है कम भ्रष्टाचार वालों की, और अधिक जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है, उसके बाद सीरिया है, और थर्ड लास्ट पे आता है दक्षिणी सूडान। और भारत की रैंकिंग तो ज़रूर नोट कीजिए, भारत की रैंकिंग है 78 रैंक। इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो इससे क्या पता चलता है कि जो विकसित देश हैं, आप टॉप 5 टॉप 6 देख सकते हैं, इसमें जो विकसित देश हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम है, और ख़ासकर जो यूरोपीय देश है वहाँ पे तो भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। जैसे आप देख सकते हैं कि अंतिम पायदान पर 88 स्कोर के साथ डेनमार्क है, हाँ, जो कि कम भ्रष्ट देश है। और फिर न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, फ्रांस, अमेरिका, यूएई, यह सब जो देश हैं वह बहुत ही कम भ्रष्टाचारी देश है। और इस रिपोर्ट में यह भी आप देखें, जिन देशों में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसे अनेक जो संकट है उसके वहाँ पे भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा मिला है, क्योंकि सोमालिया, सीरिया, दक्षिणी सूडान, यमन, यह जो देश है वहाँ पे आंतरिक स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। चाहे आप सोमालिया की बात कर लें, सीरिया की बात कर सकते हैं, आईएसआईएस है, सोमालिया में भी बहुत सारे आतंकवादी गुट हैं और वहाँ पे तो आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, वहाँ की सरकार भी अस्थिर है। तो जहाँ पे अस्थिरता है वहाँ पे भ्रष्टाचार भी अधिक है, और जहाँ पे विकसित देश हैं स्थिरता वहाँ पे है वहाँ पे भ्रष्टाचार भी कम है। अगला न्यूज़ है बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के बारे में। तो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के बारे में अगर यूपीएससी पूछना चाहेगी तो स्टेटमेंट में दे देगी कि MOU किसके साथ साइन हुआ है या फिर कौन सी गवर्नमेंट ने साइन किया, किस राज्य में साइन किया, नहीं तो सीधे सीधे यह PCS में क्वेश्चन पूछने जाने की पूरी संभावना है कि हाल ही में बायोफ्यूल प्रोजेक्ट पर किस राज्य सरकार ने MOU विर्गो कॉरपोरेशन के साथ साइन किया है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने विर्गो कॉरपोरेशन के साथ बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए एक MOU साइन किया है, टू चेक स्टबल बर्निंग बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो स्टबल बर्निंग होता है उसे कम करने के लिए, और जिसे हम पराली कहते हैं उसे कम जलाने के लिए, या फिर जो अवशेष बच जाते हैं खेतों में वह न जलाए जाए, और हमको पता है कि उसे जलाने से ही दिल्ली या आसपास के इलाकों में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, काफ़ी वायु प्रदूषण होता है, और उसे ही कम करने के लिए ही पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है। द टेक्नोलॉजी विल बी प्रोवाइडेड बाय द US जायंट हनीवेल। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह हनीवेल प्रोवाइड करेगी, साथ ही विर्गो क्या करेगी, तो विर्गो विल यूज़ द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट बिग जेट फ्यूल फ्रॉम राइस हस्क टू सेट अप अ रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे यही है कि जो विर्गो है टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हनीवेल, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन करेगा, विर्गो, और यह विर्गो क्या करेगी, राइस हस्क जो रहता है मतलब जो राइस के अवशेष होते हैं उससे जेट फ्यूल, बायो जेट फ्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उससे प्रसंस्कृत किया जाएगा। तो हम आर्टिकल भी देख रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने धान के छिलके से बायोजेट फ्यूल तैयार करेगी, और यह एक अहम कदम है कि पंजाब सरकार ने बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए विर्गो कॉरपोरेशन से समझौता किया है, और यह समझौता 630 करोड़ रुपए का है यह प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए यह जो कंपनी साइन की है तो यह कंपनी प्रत्यक्ष रूप से 150 और अप्रत्यक्ष रूप से 500 नौकरियां मुहैया कराएगी।
तो पंजाब सरकार का यह जो कदम है, यह जो प्रोजेक्ट है, पहले तो वह पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर रोक लगाएगी, उसके अलावा किसानों की आय में भी वृद्धि करेगी। दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट के तौर पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं या निम्नलिखित में से कौन कौन से फ़ायदे हैं, और ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट दे देगा पहला कि इसे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसमें कमी आएगी, दूसरा बोल देगा कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, तीसरा इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो वायु प्रदूषण है उसमें कटौती किया जा सकता है, उसको कब किया जा सकता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है वह यूपीएससी में पूछा जा सकता है, और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि उपर्युक्त में से कौन से जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो बायोफ्यूल के बारे में भी हम जान लेते हैं, बायोफ्यूल क्या है, क्योंकि बायोफ्यूल पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायोफ्यूल को हिंदी में जैव ईंधन कहते हैं, और जैव ईंधन या बायोफ्यूल ऐसा ईंधन है जो समकालीन जैविक प्रक्रियाओं जैसे कृषि और अवायवीय पाचन के माध्यम से उत्पन्न होता है, अर्थात यह बायोलॉजिकल प्रोसेस से निर्मित होता है, न कि जियोलॉजिकल प्रोसेस से। कौन से ईंधन होते हैं? भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ऐसे ईंधन होते हैं जो जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिकल प्रोसेस से होते हैं, जबकि जो बायोफ्यूल होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होते हैं, और ये एनएरोबिक डाइजेशन के थ्रू होते हैं। फसलों, पेड़ों, पौधों, गोबर, मानव मल आदि जैविक वस्तुओं जिसे हम बायोमास भी कहते हैं, उसमें निहित ऊर्जा को ही जैव ऊर्जा कहते हैं, और इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को बायोमास कहते हैं। तो एक और डेफिनेशन एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल गया होगा जिसे बायोमास कहते हैं। बायोमास क्या है? तो धरातल पर जो भी वनस्पति, जंतु पदार्थ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उन्हें ही बायोमास कहते हैं। और आज का जो अंतिम न्यूज़ है, यह यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकती है, या फिर हम इसका उपयोग मेंस एग्ज़ाम में लिखने के लिए पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन है आ गया, या फिर ज्योग्राफी सेक्शन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम उसमें इसके जो पॉइंट है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते तो क्या है यह न्यूज़। तो नासा ने अभी जो अध्ययन किया है उसमें पता चला है कि धरती पर पिछले 20 वर्षों में हरियाली में वृद्धि हुई है, अर्थात चाहे वो कृषि फसल की बात हो चाहे वन, इन दोनों में वृद्धि हुई। और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि भारत और चीन का जो कंट्रीब्यूशन है इस लिहाज से वह सबसे अधिक है। तो एक बार हम इस पर अच्छे से नज़र डाल लेते हैं, तो भारत में कृषि क्षेत्र ज़्यादा बढ़ा है और चीन में वन क्षेत्र की भरमार है। तो नासा ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार चीन में वन क्षेत्र लगभग 42% और कृषि क्षेत्र 32% है, जबकि भारत में ज़्यादातर कृषि भूमि है और वह लगभग 82% है, जबकि वन क्षेत्र का जो योगदान महज 4.4% है। और भारत और चीन में इसके साथ साथ खाद्य उत्पादन 35% से ज़्यादा बढ़ा है। तो साल 2000 से भारत और चीन में खाद्य उत्पादन में 35% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, और वन क्षेत्र बढ़ाने में भी, इसके अलावा चीन जो है वह वन क्षेत्र बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। चीन तो जुटा ही है लेकिन भारत भी जुटा है। आपको भारत का जो लक्ष्य है 33% का, उसे याद रखना चाहिए। अभी पिछले वर्ष ही वन रिपोर्ट आया था 2017 में, तो उसमें भारत में वन और वृक्षावरण और वन टोटल मिला के कुछ 24.53% हो गया है, लेकिन हमारा लक्ष्य कितना है वह 33% का है। तो भारत में भी प्रतिवर्ष दर जो वन का क्षेत्रफल है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है।
तो यह भारत और चीन जो दोनों देश हैं वह इस क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के क्षेत्र में पॉल्यूशन कम करने के लिहाज से भी कुछ अच्छे कदम उठा रहे हैं। तो चीन जो है वह वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर काम कर रहा है और वन क्षेत्र बढ़ाने का मकसद ही यही है कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।